डर लग रहा हूँ फ्लाइट्स के बारे में, ई वीजा के बारे में और होटल्स कैसे बुक किए, कहाँ कहाँ हम रुके उसके बारे में जनरल आपको नॉलेज दे रहे हैं, जिससे आपको भी इजी हो आगे जाके आप कैसे ट्रिप को कैसे प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं ई वीजा। तो लोगों में सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वियतनाम में वीज़ा ऑन अराइवल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वीज़ा हमेशा ई वीज़ा लगेगा, आपको पहले से ही अप्लाई करना है ई वीज़ा के लिए। इसको भरने के लिए सिर्फ एक ही ऑथराइज्ड गवर्नमेंट लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एंड आगे का जो भी प्रोसीजर है वो दीपू आपको समझाएंगे। सो इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको लिंक ओपन करना है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल उनकी साइट है, जिसके ऊपर जाकर आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे। ज़्यादा बड़ी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है आपको, ना ही कोई अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है, कोई भी ऐसी डिस्क्रिप्शन नहीं देनी है। अभी हम आपको साथ साथ ये भी दिखाते जाएंगे कि कैसे कैसे करके आपको ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, जो कि हमने ऑलरेडी जब वीज़ा के लिए अप्लाई किया था हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया था। सो स्टेप बाय स्टेप अब आपको नेक्स्ट क्लिप के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपको ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। नीचे दिए गए वीडियो के लिंक को जब आप ओपन करोगे तो ये वेबसाइट ओपन होगी, जिसमें आपको फोटो और पासपोर्ट अपलोड करना है। ये फिल करने के बाद आप इसको कॉन्फर्मेशन में टिक करके नेक्स्ट पेज पे आएंगे। देन आपको नाम भरना है जो पासपोर्ट में लिखा हो, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आप देख के भरना सही से, और नेशनैलिटी आपको लिखनी है, हमारी इंडियन है तो इंडियन लिखना, रिलीजन लिख देना हिंदू मुस्लिम जो भी है, एंड परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस आपको पासपोर्ट के अकॉर्डिंग लिखनी है, फ़ोन नंबर डाल देना अपना इंडिया का, पासपोर्ट नंबर आपका अवेलेबल होता है पासपोर्ट में ही, एंड एक्सपायरी डेट भी होती है। ये डालने के बाद फिर आपको स्टे लिख देना है वियतनाम में कितना है, तो मैंने 30 डेज लिखा है। देन आप फिर मेल फीमेल कर देना, उसके बाद नीचे जो फुल डेट मंथ एंड ईयर है, जिसको अपना डेट एंड बर्थ सब कुछ पता है वो आप फिल कर देना, नेशनैलिटी एट बर्थ इंडियन, ऑक्यूपेशन लिख देना, ईमेल आईडी डाल देना, री एंटर कर देना, और पासपोर्ट के जो टाइप है वो ऑर्डिनरी डाल देना। देन डेट ऑफ एंट्री आप कब जा रहे हो, पर्पस ऑफ एंट्री टूरिज्म डाल देना, टेम्प्ररी एड्रेस आप कोई भी booking.com से लेके नाम, जैसे मैंने फ्लावर बुटीक का लिया है वो डाल दिया था। आपको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट डालना है कि आप वियतनाम में कहाँ से एंट्री कर रहे हो, हम लोग ने हनोई से किया था एंड एग्जिट होचिमिन सिटी से किया था, तो हम लोग ने ये डाल दिया था। नेक्स्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा लोडिंग होगा, फिर उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा सक्सेसफुली कंप्लीटेड, आपको रजिस्ट्रेशन कोड याद रखना है अपना, देन पेमेंट आएगी आपको जो भी मेथड सही लगता है वो डालने के बाद आपको पेमेंट कंप्लीट कर देनी है। पर पर्सन $25 आपके खर्च होंगे एंड आपको मेल आ जाएगा विद इन अ वीक। तो अब आ जाते हैं बुकिंग ऑफ फ्लाइट्स। सो इंडिया से वियतनाम डायरेक्ट फ्लाइट्स होती हैं, बट लिमिटेड सिटीज से होती हैं। जो हम लोग ने कराया था आई थिंक दिल्ली टू कोलकाता एंड देन कोलकाता टू हनोई सिटी तक था हमारा, डायरेक्ट फ्लाइट हम लोग को मिली नहीं, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है, थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती है, तो इसलिए हम लोग ने कनेक्टिंग करवाई थी। जो मोस्ट पॉपुलर फ्लाइट्स जाती है इंडिया से वो है वेजजेट एयरलाइंस और इंडिगो एयरलाइंस, और दोनों में डिफरेंस यही है कि वेजजेट जो है वो लगेज का ऑप्शन साथ में नहीं देती है, और इंडिगो है वो लगेज का ऑप्शन साथ में होता है, जिसमें क्या है कि आपको एक्स्ट्रा लगेज परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अराउंड 25-24 केजी हमें एक्स्ट्रा पहले ही मिल गया था, तो इसलिए आप इंडिगो को प्रेफर कर सकते हो। और वेजजेट को प्रेफर करने का रीज़न, हम ना करने का रीज़न यही था कि उसमें लगेज ऑप्शन नहीं था। वेजजेट के अंदर जब हमने फ़्लाइट बुक करी थी तो हमें एक्स्ट्रा लगेज के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी थी, तो जो हमने फ़्लाइट बुक करी थी वो हमने स्काई स्कैनर से करी थी। हमें अलग अलग हमने महीने में देखा कि किस महीने में हमें सबसे ज़्यादा चीपेस्ट फ्लाइट पड़ रही थी, उसी हिसाब से हमने अपना प्लान भी उसी अकॉर्डिंग बनाया था। और जो फ्लाइट्स हैं स्काई स्कैनर में, एक फ़ायदा यही है कि आप मंथ वाइज और आप देख सकते हो कि किस टाइम पे आपको सस्ती पड़ रही है, चीपेस्ट फ्लाइट कौन सी है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि दो तीन दिन महीने आपको पहले फ़्लाइट बुक कर लेनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि एक डेढ़ महीने से पहले भी आप करोगे तो वो हो जाएगा। मोस्टली जो फ्लाइट्स की टिकट्स होती हैं वो एक्सपेंसिव इसलिए भी होती हैं कि उस टाइम पे लोग कितने वहाँ पे जा रहे हैं उस हिसाब से फ्लाइट्स महंगी पड़ती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दो तीन महीने पहले करवाओगे तब भी टिकट सस्ती पड़ेगी। एक महीने पहले हाँ
एक महीने पहले भी करवाओगे तो आपको टिकट नॉर्मल पड़ जाएगा। सो आप इजीली 15,000 to 20,000 तक आप अपने टिकट्स बुक कर सकते हो वन साइड की पर पर्सन, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि जाता है। 20,000 ज़्यादा जाता ही नहीं है, और 15 से नीचे कभी कभी चले जाता है इफ़ यू आर लकी। सो अब आ जाते हैं सिम में, इंटरनेट कनेक्टिविटी। सबसे पहले पहुँच के हम लोग का उसको फ़ोन वहाँ पे चलेगा नहीं, तो सबसे पहले आपको लेना है वहाँ पे सिम। तो वहाँ पे 3 मोस्ट पॉपुलर सिम है, मोबीफोन, वीनाफोन एंड एयरटेल। हम लोग ने आई थिंक वीनाफोन लिया था ना, हम लोग ने वीनाफोन का सिम कार्ड लिया था एंड हम लोग को 900 रुपये का पड़ गया था। 900 से 1200 तक के रेंज में आपको मिल जाएगा इनमें से सारे। सो दिस इज़ द रेट कार्ड ऑफ ऑल द सिम। वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी वीनाफोन की बहुत अच्छी थी, हम लोग का लगभग हर जगह कनेक्टिविटी आया था। सो इट वाज फॉर 900 एंड फॉर 10 डेज हमने लिया था। इंटरनेट अनलिमिटेड इंटरनेट था, उसमें लोकल कॉल्स नहीं थे, उसकी ज़रूरत भी नहीं हमें। और हम लोग ने इस बार फर्स्ट टाइम एक ही सिम लिया था ताकि हम लोग हॉटस्पॉट ले लें, और अनलिमिटेड था तो इतना ज़रूरी भी नहीं होता, होटल्स में हमें वाईफाई मिल जाता है। सो हम लोग ने तो एक ही लिया था, और हम लोग ने डायरेक्टली एयरपोर्ट में उतरते ही ले लिया था। हम लोग ने बाहर का ऑप्शन ही रखा था क्योंकि हम लोग को ग्रैब चलाना था, टैक्सी करनी थी, तो हम लोग ने अंदर ही ले लिया था फॉर इंटरनेट। सो यस। सो अब हम आपको बताते हैं कि बेस्ट सीजन कौन सा है जिस टाइम पे आप वियतनाम को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हमारे हिसाब से आपको दिसंबर से लेके अप्रैल तक जो है वो बेस्ट सीजन है वियतनाम को एक्सप्लोर करने का। उसका कारण क्या है कि उस टाइम पे वहाँ पर बारिश काफ़ी कम होती है, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे हर टाइम ही बारिश का मौसम थोड़ा सा रहता है, और इस वजह से हम आपको यही बोलेंगे कि दिसंबर से लेके आप अप्रैल तक कभी भी अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो, क्योंकि अगर बारिश होएगी तो आप अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। और बाकी टाइम जो दिसंबर से अप्रैल के बिना अगर आप कहीं कभी भी जाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड वाला टाइम रहेगा और गर्मी भी थोड़ी रहेगी, तो इसलिए आप अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। जून टू नवंबर सबसे ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड रहता है वहाँ का मौसम। जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको रेनफॉल वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। सो अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ करेंसी। सो हम लोग ने अपनी जो करेंसी चेंज एक्सचेंज करवाई थी वो करवाई थी बुक माई फॉरेक्स से। तो बुक माई फॉरेक्स का फ़ायदा ये है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे और वो आपके घर पे ही आपको एक्सचेंज में आपको जो भी आपको करेंसी चाहिए वो आपको घर पे दे जाएंगे। तो आपको कभी भी यहाँ से अगर मनी एक्सचेंज करके लेके जानी है तो आप कोशिश यही करो कि वियतनामीज डोंग कम लेके जाओ और यूएस डॉलर ज़्यादा लेके जाओ। उसका कारण क्या है कि इंडियन रुपीज़ से अगर हम वियतनामीज डोंग कन्वर्ट करवाते हैं तो उसके काफ़ी हाई चार्जेस लगते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी बियर किए हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप यूएस डॉलर लेके जाइए और कुछ मिनिमल अमाउंट जो कि आप एयरपोर्ट पे यूज़ कर सको उतनी अमाउंट आप सिर्फ वियतनामीज डोंग लेके जाओ, और यूएस डॉलर को आप वियतनाम में बड़े इजीली कन्वर्ट करवा सकते हो और आपको ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे। वो थोड़ा सा आप रिसर्च कर लेना कि कहाँ पे आपको अच्छे बेस्ट रेट मिल रहे हैं और वहाँ से जाके आप वियतनामीज डोंग ले सकते हो एयरपोर्ट में भी। हाँ, और कोशिश यही करो कि वियतनामीज डोंग को ज़्यादा आप मत लो, क्योंकि बाद में आपको रिटर्न टाइम पे उसकी फिर भी अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो जितने आपको यूज़ करने हैं आप उतने ही वियतनामीज डोंग को अपने पास रखो, और बाकी जितनी भी मनी है उसको आप यूएस डॉलर में ही रखो। ये आपके लिए नेक्स्ट ट्रिप के लिए भी काम आ सकता है। सो अब आ जाते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन। वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है बेस्ट लगा मुझे, आपको कैसा लगा? हाँ, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। सो जो वहाँ के जो इंटरनल फ्लाइट्स हैं वो तो मुझे अमेजिंग लगी। इंटरनल फ्लाइट्स में लगभग 2,000 से 2,500 तक इजीली फ्लाइट हो जा रही थी। हम लोग ने दनांग से फुकॉक आइलैंड के लिए कराया था एंड फुकॉक आइलैंड से बैक हम लोग ने हो ची मिन्ह सिटी तक के लिए कराया था। सो हम लोग को तो काफ़ी मतलब इनएक्सपेंसिव पड़ी। एंड आप ये ध्यान रखना, हम लोग का लगेज ज़्यादा था तो हम लोग ने उसके लिए एक्स्ट्रा पे किया था। अगर आपका लगेज मतलब 12 से 13 kg हो तो इजीली हो जाता है ना, ज़्यादा चार्जेस नहीं है, लेकिन इजीली 2,000 से 2,500 तक इजीली हो जाती है। नेक्स्ट है बस। वहाँ पे बस आपको इजीली ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिल जाएगी एक जगह से दूसरी जगह के लिए। हम लोग ने निनबिन से दनांग के लिए कराया था, जो आई थिंक 12 घंटे का सफ़र था। हम लोग पूरे रास्ते सोते हुए आए हैं, हम लोग का स्लीपर बस था एंड मैक्सिमम 1200 रुपये आप लोग को लगेंगे। 900 से 1200 रुपये में आप इजीली एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल कर सकते हो। बस यहाँ पे इन्होंने मुझे क्वेश्चन टाइप लगाए हुए, इसमें आप चप्पल लेके नहीं आ सकते। एंड देयर इज दीपू। काफ़ी कंफर्टेबल भी है। अगर आपको वियतनाम में मतलब सर्वाइव करना है तो मेरे हिसाब से ग्रैब एक बहुत ही ज़रूरी एप्लीकेशन है जो आपको यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ग्रैब का फ़ायदा ये है, एक तो आप लोकल कहीं भी ट्रैवल करना है तो बड़े इजीली आप उसके थ्रू आप बाइक भी बुक करके जा सकते हो, आप कैब भी ले सकते हो, अगर आपको खाना भी चाहिए तो फूड भी ऑर्डर कर सकते हो।
हमने ग्रैब का काफ़ी फ़ायदा लिया। और एक प्लस पॉइंट आपको और भी बता दूं कि अगर आपने फर्स्ट टाइम ग्रैब यूज़ कर रहे हो तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है। तो अगर आप दो या तीन पार्टनर हो तो अलग अलग नंबर से यूज़ करोगे तो उससे आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप फर्स्ट टाइम जो आपकी बुकिंग होगी उसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। फर्स्ट के बाद भी काफ़ी मिल जाता है, उसके बाद भी काफ़ी ऑफर मिलते हैं, 30-20 ऐसे करके मिलता है। उसमें पासिस का ऑप्शन भी आता है, तो अगर आप कुछ कॉम्बो ले लोगे तो उसके भी फायदे। पहले इन्होंने यूज़ किया था इनके नंबर से, फिर मेरे नंबर से यूज़ किया तो हम लोग को काफ़ी अच्छा ऑफर मिल गया। नेक्स्ट इज साइकिल। वहाँ पे साइकिल बहुत कॉमन है बट कुछ कुछ जगह पे चलती हैं, लाइक होयान में बहुत इजीली साइकिल्स मिल जाती हैं, दनांग सिटी में मिल जाती हैं, हनोई में भी मिल जाती हैं। 20,000 VND या फिर 30,000 VND में आपको ईजिली मिल जाते हैं, कन्वर्ट करके मैं नीचे लिख दूँगी, आप इजीली इसको इधर उधर चला सकते हो। और जिस होटल में आप रुक रहे हो वो भी कभी कभी आप लोग को प्रोवाइड कर देते हैं, तो कभी भी आप किसी भी होटल में रुको उनसे ज़रूर पूछना कि आपके साइकिल या फिर स्कूटी अवेलेबल है कि नहीं। तो वियतनाम में स्कूटर्स बड़े इजीली मिल जाते हैं रेंट पर, और आप अगर रेंटल स्कूटर लोगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि लोकल आप काफ़ी अच्छे से ट्रैवल कर पाओगे। और दूसरा है कि इसका जो रेंटल है 500 से 600 रुपये पर डे का आता है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है, और फ्यूल भी काफ़ी वहाँ पे एज़ कम्पेयरेबल इंडिया काफ़ी सस्ता है, अराउंड 85 रुपीज़ पर लीटर आपको फ्यूल पड़ता है। और आपको डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है, अगर आप पासपोर्ट की फोटोकॉपी दे दोगे तब भी वो चल जाएगा। लाइसेंस वहाँ पे इंटरनेशनल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है हमें, कहीं भी हम घूमने के लिए गए हैं हमने अपना लोकल जो अपना इंडिया का लाइसेंस है वही दिखाया है, उसी से हमें स्कूटर रेंटल मिल गया। और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस कहीं पे भी नहीं है, वहाँ पे लोग अच्छा चलाते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कूटीज ही चलाते हैं। हाँ, मोस्टली वहाँ पे टू व्हीलर्स हैं, बहुत ज़्यादा टू व्हीलर्स हैं, और सब अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलते हैं। मैंने वहाँ पे कहीं पे भी ट्रैफिक पुलिस देखे ही नहीं है। और बेटर है कि आप अपने होटल वालों से ही पूछ के स्कूटीज ले लो, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम मांगते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो बेटर है कि आप वहीं से लो, और आपका पिक एंड ड्रॉप वाला भी खर्चा जो है वो बच जाता है, आप बस नीचे लगाओ उनके पार्किंग में और ऊपर आ जाओ। और हाँ, एक बात और कि वहाँ पर क्या है कि हनोई में हमने काफ़ी जगह पे ऐसा देखा था कि कहीं भी आप गाड़ी बाइक पार्क करते हो तो आपको एक पार्किंग चार्ज देना पड़ता है, जो कि 10,000 to 30,000 तक आपको हर एक जगह पे पार्किंग चार्ज देना पड़ रहा था। हाँ तो मान के चलो हर जगह पे आपको एक हर जगह पे आप रुकोगे कहीं भी पार्क करोगे तो आपको एक पार्किंग चार्ज देना ही पड़ेगा, और जो कि बहुत ही कम है। ऐसा नहीं है 10,000 से 35,000 ज़्यादा हमसे किसी ने मांगा ही नहीं, और 30 भी मैंने एक जगह ही लिया बस, नहीं तो हर जगह 10,000 ही लिया मैंने, चाहे कितने घंटे भी खड़ा करो। इससे क्या है कि आपकी जो बाइक है वो सेफ है। तो अब आ जाते हैं हम स्टेज के लिए कि हमने कैसे कैसे वहाँ पे अकोमोडेशन की। सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो भी इंटरनेशनल हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम लोग रात की ट्रैवल होती है और हम लोग सुबह पहुंच जाते हैं, मैक्सिमम 10 बजे से पहले हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे। तो और जो वहाँ पे जो चेक इन होता है होटल्स में वो होता है 2 बजे, 2 PM वहाँ पे चेक इन टाइमिंग होता है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना कि आप लगेज लेके वहाँ पे जा तो रहे हो लेकिन आपको रूम्स नहीं मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो 12 से 1 बजे तक आपको दे सकते हैं, उससे पहले आपको देंगे ही नहीं, चाहे आप कितने भी जल्दी पहुँच जाओ या 6 बजे पहुँच जाओ 7 बजे। तो आप उस हिसाब से प्लीज़ देख के चलना कि कैसे आपको मैनेज करना है। हम लोग कैसे करते थे, हम लोग सामान रख देते थे, फिर उसके बाद हम लोग अपना वहाँ पे वॉशरूम होता था तो वो थोड़ा रेडी होके अपना एक्सप्लोर करते थे, ब्रेकफास्ट करके हम लोग अपने रूम में आ जाते थे। तो अब हम आपको बताएंगे कि किस किस होटल में हम रुके थे और किस किस सिटी में कौन कौन सा होटल हमने चूज़ किया था और उसकी प्राइस रेंज क्या थी। सो फर्स्ट होटल हमारा हनोई टोक्यो होटल था, हनोई में बाथटब है, एंड सबसे अच्छी बात मुझे फर्स्ट टाइम मैंने देखा है ये टोटोपॉट जो कि इलेक्ट्रॉनिक है एरिया दिया है, अगर आपको कुछ भी बनाना है या वॉश करना है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। स्टडी टेबल टाइप दिया हुआ है, 2 बेड लिए हमने ताकि हम एक में सारा सामान रख सकें। यहाँ से भी मैं बाहर आपको दिखाती हूँ, एंड ये इनका टीवी एरिया है, यहाँ पर लगे जाए। दनांग सिटी में हम लोगों ने सनोवा होटल लिया था जो कि आसपास के एरिया से बिल्कुल पास था। जो ये होटल का रूम था बहुत ही अच्छा था, यह कम से कम हमने 3 दिन के लिए रखा था अपने पास। डिसेंट बेड था, साइड टेबल था, एंड जो इसका विंडो का लोकेशन था, व्यू था, बहुत ही अमेजिंग था। टॉयलेट वॉलेट एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। नेक्स्ट होटल हमने करवाया था फुकॉक आइलैंड में, एम होटल के नाम से है, और इसका जो एरिया था थोड़ा सा कम था लेकिन परफेक्ट था, नीट एंड क्लीन था सब कुछ, बेड वाज वेरी कंफर्टेबल, टीवी और जो भी अमेनिटीज़ होती हैं सब कुछ थी। और हम लोग ने एनिवर्सरी का करवाया था तो उन्होंने पूरा अच्छे से हमें फ्रूट्स एंड मॉकटेल्स बना के दी थी।
यू कैन सी हाउ परफेक्ट इट इज़। और हमने जितने भी होटल्स कराए हैं सारे सिटी सेंटर में हैं, जो भी लोकेशंस हैं सब कुछ आसपास ही थे। सो यस, आप ये ऑप्शंस अपने ट्रिप में इंक्लूड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं खाने की। मोस्टली जब भी कोई वियतनाम का ट्रिप प्लान करता है तो सबसे पहले वो खाने के बारे में सोचता है, क्योंकि हर किसी का यही रिव्यू होता है कि वियतनाम में खाना अच्छा नहीं है। पर ऐसा नहीं है, हर जगह पे आपको हर टाइप का खाना मिल जाता है। थोड़ा सा आपको रिसर्च ज़रूर करनी पड़ेगी। जैसे कि हमें कुछ कुछ अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिले थे जिसमें हमने बड़ा अच्छा इंडियन खाना भी खाया है, और इसके अलावा वहाँ के भी कुछ कुछ खाने ऐसे हैं कि वो काफ़ी अच्छे थे। जैसे कि हमने वहाँ पे 4P पिज़्ज़ा है, वो काफ़ी फेमस था, और वहाँ से हमने पिज़्ज़ा खाया, वो हमें बहुत ही अच्छा लगा। इसके अलावा वहाँ पे एक हाईलैंडर्स कॉफ़ी है, वो भी कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छी थी। और बर्गर्स ये सब है आपके पास, आपको इजीली मिल जाएगा। हाँ, और इसके अलावा वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे फ्रूट्स जूस जो है, पैशन फ्रूट मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसके अलावा वहाँ पे वेज नूडल्स हैं, सूप है, और कई ऐसी मतलब खाने की डिशेस थी जो कि हमें काफ़ी अच्छी लगी। और कोकोनट कॉफ़ी तो हमारी फेवरेट हो गई थी, वो पीते ही हैवी हो जा रहा था, तो हम लोग थोड़ा रुक के ही खा रहे थे फिर खाना। और वहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं, आपको इंडियन फूड्स वहाँ पे बहुत जगह मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स बहुत जगह मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन है ही नहीं वहाँ पे। एंड ठीक है, किसी सिटी में जाते आपको नई चीज़ें मिलती ही हैं। और हमने गणेश रेस्टोरेंट है जो वहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया खाना, और हमें इंडियन खाना बहुत ही अच्छा लगा। डिलीशियस, आपको गणेश वाला जो गणेश रेस्टोरेंट है वो आपको, उनकी जो चेन्स हैं वो पूरे ऑल ओवर वियतनाम में है, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। वैसे भी आप इंडियन फूड डालोगे ना आपको ईजिली मिल जाएगा। और इसके अलावा हमने वहाँ पे पोपोइज़ है, वो काफ़ी फेमस है, और उसका खाना हमने टर्की में ट्राई किया था, बहुत अच्छा लगा था। और वियतनाम में भी हमें उसी को ही प्रेफरेंस दी, क्योंकि वहाँ पे चिकन अच्छा मिल रहा था। और आलू, आपको लगेगा कि वहाँ पे बर्गर आलू वाले मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ चिकन वाले बर्गर्स या मिलेंगे जो भी चीज़ें हैं। और पोपोइज़ इज सेम लाइक KFC इन इंडिया। और पानी हमने लोकल एरिया से जब भी परचेज किया तो हमें क्वाइट एक्सपेंसिव लगा, टर्की से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। बट हाँ, ये एक ही रेस्टोरेंट में और होटल्स में आपको इजीली मिल जाता है। बेटर है कि आप अपना बॉटल लेके जाओ, या तो आप होटल में जिसमें रुक रहे हो ना वो आपको 2 बॉटल्स तो देते ही हैं, उसको आप रिफिल करा के लेके जा सकते हो अपने साथ में। और एक चीज़ और, आप अपने साथ इंस्टेंट फूड लेके ज़रूर जाना, लाइक दाल मखनी, वेज बिरयानी, ये सब जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइक हम लोग तो चिकन खा लेते हैं, बट जिस जो वेजिटेरियन है वो अपना आप इंस्टेंट फूड लेके जाओ और लेके जाने देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको रोक लेंगे एयरपोर्ट में। So, yes. अब बात कर लेते हैं ऐसे टॉपिक के बारे में कि वहाँ पे हम किसी भी अदर कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे हम उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है और कैसे करके हमने वहाँ पे कम्युनिकेट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वहाँ पर भी लोग इंग्लिश प्रेफर नहीं करते, वहाँ पे वियतनामीज ही है जो कि वहाँ पे प्रेफरेंस सबसे पहले दी जाती है। अच्छा ऑप्शन यही है कि आप गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करो और उसके थ्रू ही आप वहाँ पे जाके कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो इंग्लिश में बोलो और वियतनामीज में वो उसको ट्रांसलेट करके बता भी देगा। वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि वेट करते हैं और आपको सुनते हैं, और अपने में उनके पास भी रहता है ट्रांसलेटर कि हाँ हम आपको बता दें क्या है, उनके पास पेशेंस बहुत है। और वो सबके में था फ़ोन में ट्रांसलेटर, और सब ने हम लोग को ईजिली बताया है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम बता रहे हैं आपको। और वहाँ पर जो इंग्लिश बोलने वाले हैं वो आपको ज़्यादातर होटल्स में मिलेंगे या रेस्टोरेंट में मिलेंगे, इक्के दुक्के मिल जाएंगे। लाइक अगर आपको इंटरनल फ्लाइट या कोई ट्रिप करानी है, डे ट्रिप करवानी है, तो वो लोग इंग्लिश बोलते हैं। बाकी ठीक है, सारे वियतनामीज ही बोलते हैं, तो ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं है। बट यार, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बट यू कैन ट्राई गूगल ट्रांसलेटर। सो इस वीडियो को हम अब यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे वो वियतनाम की कंप्लीट आइटनरी के बारे में ही होगा, और जल्द आएगी। ये हम लोग कब से प्लान कर रहे हैं कि ये वीडियो हम कब बनाएंगे। होपफुली आज हम लोग को टाइम लगा है, क्योंकि आप लोग मुझसे इंस्टा पे बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप प्लीज़ अपना पूरा बताओ, क्या बजट है, क्या है सब कुछ, तो आज आके टाइम मिला है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।